नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने विजिट इंडिया ईयर कैंपेन 2023 को लॉन्च किया। यह कैंपेन भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कैंपेन में होगा क्या, G20 के साथ इसका क्या लिंक है और कैसे इस कैंपेन के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जीके टेक्स की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे बहुत से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे बहुत से ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे भारत में बहुत ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है। 2018 में भारत ने $250 बिलियन की कमाई की थी टूरिज्म से। लेकिन उसके बाद आता है कोविड पैंडेमिक, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी ठप बैठ गई। उस समय हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। 2020 में $250 बिलियन घट के $122 बिलियन ही रह गए। COVID-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 2-2.5 सालों से 3 सालों से खबरों में बना हुआ है। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर किया है विद MCQs। एक बार उसे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर GK क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि इंडिया के पास ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल है क्योंकि हमारे पास वेरी टोपोग्राफी और ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं। यह एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री 2028 तक $512 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और जो इनबाउंड ट्रैवल है उसे इंक्रीज करने के लिए हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन। ये कैंपेन शोकेस करेगी इंडिया का टूरिज्म पोटेंशियल हमारे फॉरेन डेलीगेट्स के लिए जो अटेंड करेंगे G20 की मीटिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 में इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा, तो उसमें जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे उन सबको हम इंडिया का टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो शोकेस करेंगे, बताएंगे। G20 कंट्रीज जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP। इसलिए G20 कंट्रीज को टारगेट करने से इंडिया में जो टूरिज्म इंडस्ट्री से रेवेन्यू है, आय है, पैसा हम कमाते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, बूस्ट हो सकता है। इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा G20 ऑफिशियल्स के लिए, बिजनेस डेलीगेट्स के लिए और जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं जो कि इस समिट को अटेंड करेंगे। इस कैंपेन में टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो शोकेस करेगी जो मेजर ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं हमारे पूरे के पूरे भारत में। 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाली है 55 लोकेशंस में G20 समिट में। तो इन्हीं मीटिंग्स में हम अपने इंडिया का टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको शोकेस करेंगे फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। 1 लाख फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट लेने वाले हैं G20 समिट में मीटिंग्स में, और इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने टूरिज्म पोटेंशियल को शोकेस करने की। इस कैंपेन में हम शोकेस करेंगे अपने मॉन्यूमेंट्स को, फेस्टिवल्स को, टूरिज्म डेस्टिनेशन को और कल्चर को। इस कैंपेन का एम है कि जितने भी हमारे फॉरेन डेलीगेट हैं उन्हें भारत का कल्चरल एम्बेसडर बनाया जाए जब वो इस समिट के बाद अपने अपने देशों में, अपने अपने घरों में जाएंगे। तो ये था विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसको टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और फिर ये G20 समिट में जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनमें इस कैंपेन के माध्यम से जो फॉरेन डेलीगेट्स होंगे या जितने भी ऑफिशियल्स उसमें पार्ट लेंगे उन सबको भारत का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो बताया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और GK इसकी तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और GK और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।